आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल डिज़ाइन से। लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास क्या है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन से मुराद हमारे पास क्या है कि हम एक सिस्टम को किस लेवल पे जाके देखते हैं। एक प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इंजीनियर के व्यू पॉइंट से, एक स्टूडेंट के व्यू पॉइंट से आप अपने सिस्टम को कितने अंदाज में देख सकते, ठीक है। मसलन प्रोसेस मेमोरी स्विच लेवल है सबसे पहले, PMS लेवल है। इस लेवल में जब हम बात करते हैं द हाईएस्ट इज द प्रोसेस मेमोरी स्विच लेवल। आपको सिर्फ प्रोसेसर के बारे में पता हो, मेमोरी के बारे में पता हो। दिस इज द लेवल एट विच एन आर्किटेक्ट व्यूज द सिस्टम। इट इज सिंपली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरकनेक्शन। द कंपोनेंट्स आर स्पेसिफाइड इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक डायग्राम, जो मैंने पहली बात की इनफॉर्मल सेशन के अंदर कि जी मेमोरी है, CPU है, कैश है, ये आपस में लिंक्ड हैं। हार्ड डिस्क से डाटा कैश रैम में जाता है, रैम से डाटा प्रोसेसर में जाता है, प्रोसेस होकर वापस रैम में। इस तरह के जो इंटरकनेक्शन है सिस्टम कंपोनेंट्स के आपस में, और कौन से बिल्कुल हाईएस्ट लेवल के कैसे कनेक्ट है, बिल्कुल कोई डिटेल नहीं है। समझ आ रही है ना, ये है आपके पास PMS लेवल, हाईएस्ट लेवल। अब हम क्या किया, अब हम इसके थोड़ा सा ना और डीपर चले गए। हम गए तो हमारे पास दूसरा लेवल आया, इंस्ट्रक्शन सेट लेवल। इंस्ट्रक्शन सेट लेवल इज नेक्स्ट लेवल इज इंस्ट्रक्शन। इट डिफाइन द फंक्शन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन। आपके कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, जिस तरह मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था ना कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए आपको मेमोरी, उसके बाद रजिस्टर्स, इसका बड़े बड़े जो है ना कह लें आपके डीप लेवल पे पता होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह तीसरी चीज जो है ना, दैट इज इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, ऑल a set of all instructions that a CPU can execute. एक CPU maximum जितनी instructions execute कर सकता है, उन तमाम के मजमूए को हम कहते हैं ये instruction set है इसका। ये थोड़ी सी हैं, 4-5 किस्म की आगे जाके हम पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल हैं वही। हमने क्या पढ़ा है, कंप्यूटर कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो अरिथमेटिक ऑपरेशन कितने हैं, 4 है। तो उन 4 को परफॉर्म करने के लिए कुछ हदायात हैं उसके पास, और इसी तरह बाकी क्या पढ़ा, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हैं, लॉजिकल को परफॉर्म करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन हैं। हम इंस्ट्रक्शन सेट का ना पूरा एक लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कितनी टाइप की इंस्ट्रक्शन है। तो मेरा ख्याल है जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, क्योंकि 4 टाइप की होती हैं, अरिथमेटिक टाइप इंस्ट्रक्शंस, लॉजिकल टाइप इंस्ट्रक्शन, डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। 4 किस्म की टोटल इंस्ट्रक्शंस होती हैं एक CPU के इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर, ठीक है, और वो किस तरह से काम करती हैं, ठीक है। द एम्फेसिस इज ऑन द बिहेवियर ऑफ सिस्टम रेदर देन द हार्डवेयर। अच्छा, जब आप इंस्ट्रक्शन सेट को डिस्कस कर रहे हैं ना, उस वक्त भी आप हार्डवेयर की बात नहीं कर रहे, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इस CPU में ऐड करने की इंस्ट्रक्शन क्या है, AD के नाम से है या ADL के नाम से। आपको इंस्ट्रक्शंस और उनके फंक्शंस का पता हो, हार्डवेयर में वो किस तरह एग्जीक्यूट होती हैं, इस डिटेल का आपको ना भी पता हो, तो ये लेवल है आपका इंस्ट्रक्शन सेट लेवल। तीसरा जो लेवल है आपके पास वो है रजिस्टर ट्रांसफर लेवल, नेक्स्ट टू ISA, यानी इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ये ISA stands for इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, ठीक है। उस लेवल से अगला जो लेवल है ना वो रजिस्टर ट्रांसफर लेवल है, मतलब हार्डवेयर स्ट्रक्चर इज विजिबल एट दिस। अगर आप ये भी डिस्कस करेंगे कि CPU में ये रजिस्टर हैं, और एकामोलेटर जो है वो ये काम करता है, बेस रजिस्टर ये काम करता है, डाटा रजिस्टर ये काम करता है, काउंटर रजिस्टर ये काम करता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है, कोड सेगमेंट, ये कितनी 32, 16, 18 जितने भी किसी CPU के अंदर टोटल रजिस्टर कितने हैं, रजिस्टर की विड्थ कितनी है, रजिस्टर क्या क्या काम करते हैं, उसमें मेमोरी एड्रेसिंग किस तरह होती है, और मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है। जब हम इस लेवल पर जाते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है रजिस्टर ट्रांसफर लेवल। इन एडिशन टू रजिस्टर द बेसिक एलिमेंट एंड दिस लेवल्स आर आल्सो मल्टीप्लेक्सर, डीकोडर, बसेस एंड बफर। चूंकि ये भी छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, जो एक CPU और मेमोरी स्ट्रक्चर के दरमियान में मौजूद होते हैं। मल्टीप्लेक्सर आप DLD में पढ़ के आए हो, डिकोडर भी आप वहाँ पर पढ़ के आए हो, बसेस के बारे में भी हम पढ़ के आए हैं, और बफर्स के बारे में भी पढ़ के आए हैं।
ठीक है, मल्टीप्लेक्सर्स वो सिंपल एक ऐसा पुर्जा होता है जिसमें एक मल्टीपल इनपुट और सिंगल आउटपुट देता है। डिकोडर जो होता है ये एनक्रिप्ट करता है आपके डाटे को, ठीक है, जो डाटा इनक्रिप्टेड होता है उसको उसने दूसरी शेप में बदलना होता है, ठीक है। बसेस जो होती हैं ये कैरी करती हैं आपके डाटा इंफॉर्मेशन और बस को, और बफर जो होता है ये अमाउंट ऑफ डाटा होता है। मैं अक्सर इसको कहता होता हूँ, ये पे मानना होता है आपके कंप्यूटर का ना, कितना डाटा उठाना है और एक वक्त में कितना मैक्सिमम उठा के हम ले जा सकते हैं ना, ये बफर डिफाइन करता है। 15 बिट ले जा सकते हैं, 20 बिट ले जा सकते हैं, 32 बिट ले जा सकते हैं, ये बफर होता है। उसके बाद आ गया हमारे पास, ये सारे जो थे ये थे सिस्टम डिजाइन के लेवल्स। अब हम बात करते हैं लॉजिकल डिजाइन लेवल। लॉजिकल डिजाइन लेवल इज आल्सो कॉल्ड गेट लेवल। वो लॉजिक गेट्स यानी आप बेसिक एलिमेंट एट द लेवल आर गेट्स एंड फिलर। चाहे कोई मेमोरी है जी, चाहे सीपीयू का प्रोसेसर है, चाहे रजिस्टर है, ये आपने डीएलडी में पढ़ा था कि एक मेमोरी बनती है फ्लिप फ्लॉप की मदद से, ठीक है, एसआर लैच और फ्लिप फ्लॉप से बनता है। एक जो रजिस्टर होता है जमा तफरीक वाला वो बनता है एंड और वगैरह गेट से, ठीक है। तो उस लेवल तक आपने पढ़ना कि आप बिल्कुल सर्किट को उस लेवल पे ले गए हैं, द बिहेवियर इज लेस विजिबल। अब इसमें हम ये नहीं देख रहे कि ये क्या कर रहा है, यानी बिहेवियर क्या था, जमा करना तफरीक, ये बिहेवियर है, ये फंक्शंस हैं। लेकिन अब हम पुर्जों को पढ़, जमा करने वाला पुर्जा कौन सा है, तफरीक करना। अब जब इस लेवल पे जाते हैं तो फिर हम बिहेवियर को नहीं डिस्कस कर रहे होते, ठीक है। वाइल द हार्डवेयर स्ट्रक्चर प्री डोमिनेट्स, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर स्ट्रक्चर की डोमिनेशन के ऊपर बात करें। अबव लेवल इज कॉल्ड लॉजिक डिजाइन लेवल एंड थर्ड वन फोर्थ वन इज कॉल्ड सर्किट लेवल। की एलिमेंट्स एट दिस लेवल आर रजिस्टर ट्रांसिस्टर कैपेसिटर एंड डायोड, और नीचे चले गए हम, ठीक है। बस ये लेवल्स और इसमें आप किन किन चीज़ों को जो है ना वो हैंडल करते हैं ये आपको इलम होना चाहिए। मास्क लेवल है, लोएस्ट लेवल इज मास्क लेवल डीलिंग विद सिलिकॉन स्ट्रक्चर एंड देयर लेआउट, यानी आपका ट्रांसिस्टर किससे बनता है, सिलिकॉन से बनता है, ठीक है। यानी इस लेवल तक आप चले गए तो ये आपके पास सर्किट डिज़ाइन हो गया। ये थोड़े से लेवल्स थे। ओवरऑल अगर हम इस कोर्स की बात करें तो दिस कोर्स विल प्रोवाइड द स्टूडेंट्स विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ स्टडी इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। हमारा जो लेवल होगा ना, जो हमने इसमें पढ़ना है, वो मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, वो इंस्ट्रक्शन लेवल और रजिस्टर लेवल तक हम पढ़ेंगे इसको, हम इससे नीचे नहीं जाएंगे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के इस कोर्स में हम रजिस्टर और रजिस्टर ट्रांसफर और इंस्ट्रक्शन सेट तक रहेंगे, इससे नीचे हमने नहीं जाना। अगर आप इसके कोड को भी देख लो, यानी इसके टॉपिक्स को देखो जो नीचे नज़र आ रहे हैं, तो आप देखो इसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आर्किटेक्चर है, उसके बाद प्री प्रोसेसर प्रोसेसर कैसे काम करता है, फिर हम देखेंगे कि आईएसए कैसे डिज़ाइन होता है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर कैसे डिज़ाइन होता है, फिर नीचे जाके देखेंगे कि सीपीयू डिज़ाइन कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोसेसर को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें पाइपलाइनिंग क्या होती है, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म क्या होता है, माइक्रो प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है। ये सिंपल टॉपिक्स हैं, मुश्किल चीज़ें नहीं है। पाइपलाइनिंग होती है एक ही वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को जब हम करते हैं ना उस वक्त, हाँ जी। उसके बाद सीपीयू ख़त्म हो गया, फिर हम इनपुट और आउटपुट की बात करेंगे, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिज़ाइन क्या है, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट क्या है, इंटरप्ट ड्रिवन, आसान बातें ये। अगर आपने थोड़ा सा भी तफसील के साथ या डिटेल के साथ असेंबली को पढ़ा हुआ है तो उससे बहुत रिलेट करता है, बल्कि इस कोर्स की प्री रेक्विजिट में है। अगर आपने असेंबली नहीं पढ़ी तो आप ये कोर्स नहीं ले सकते, ले ही नहीं सकते, आप इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ALSU की, ALU के बारे में, और आखिरी टॉपिक हमारा इसमें होगा मेमोरी सब सिस्टम का, ठीक है। आपके जो मेजर्स यानी इसका जो फाइनल टर्म पेपर होता है ना, वो मेमोरी में से बहुत ज़्यादा पोर्शन उसका होता है, ठीक है। और मिड के अंदर जो है ना, वो आपका प्रोसेसर का जो तीसरा है ना, ये एडवांस्ड प्रोसेसर डिज़ाइन वाला, सीपीयू डिज़ाइन वाला, ये बड़े ही अहम होते हैं। मुश्किल चीज़ें ये नहीं है, इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, कैलकुलेशंस होंगी, हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे मेमोरी को, उसको कैलकुलेट करेंगे। मुझे याद है जब मैंने इसका मिड और फाइनल दिया था तो न्यूमेरिकल आए थे, बाकायदा न्यूमेरिकल आए थे, जिस तरह फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं होते तो उनको बाकायदा सॉल्व किया गया था, बुक से मैंने उनको देखा हुआ था, रीड भी किया हुआ था, ठीक है। आ जाएं जी अब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर।
इससे नेक्स्ट जो है ब्रीफ रिव्यू ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ा है आपने CS101 के अंदर, इनपुट यूनिट होता है, आउटपुट यूनिट होता है, सिस्टम यूनिट होता है, उसमें एक मेमोरी यूनिट होता है और उसमें एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इसको भी दो तरीकों से देखा जा सकता है, ठीक है। एक बात बहुत ध्यान से रखना है, नुक्ता है नज़र एक लफ्ज़ है, ठीक है ना। एक एक सिचुएशन होती है, उसको टीचर और तरह देख रहा होता है, स्टूडेंट और तरह देख रहा होता है, ठीक है, और जो टीचर से भी सीनियर प्रिंसिपल होता है वो और तरह देख रहा होता है। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता होता हूँ कि आप वर्कशॉप में चले जाते हैं ना, तो वो गाड़ी वाली मिसाल जो मैंने पहले दिन दी थी कि ड्राइवर उस गाड़ी को और तरह देख रहा है, मैकेनिक और तरह देख रहा है, और जो इंजीनियर है उस गाड़ी को, दिस इज कॉल्ड डिफरेंट व्यूज। तो अगर आज हम बात करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की, तो यूज़र जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को और तरह देखेगा। एक यूज़र का व्यू है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का, जो आपने CS101 में पढ़ा, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें मेमोरी है और CPU है, CPU के दो हिस्से हैं, एक अरिथमेटिक लॉजिक है और एक कंट्रोल यूनिट है। प्रोग्रामर इसको इस तरह से नहीं देखता, प्रोग्रामर का जो व्यू होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन कोडिंग के हवाले से देखेगा। तो ये फ़र्क आपके जहन में होना चाहिए, हाउ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज व्यूड बाई अ प्रोग्रामर एंड हाउ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज व्यूड बाई अ यूजर। यूजर सिर्फ कंपोनेंट्स और उसके फंक्शंस को जानता होगा, और प्रोग्रामर जो है वो उससे ज्यादा डिटेल्स के बारे में जानता होगा, ठीक है जी। तो आमतौर पे जो प्रोग्रामर्स व्यू होता है उसके अंदर चूंकि लैंग्वेजेस इन्वॉल्व होती हैं, इंस्ट्रक्शन सेट उसमें इन्वॉल्व होता है, डिजाइन उसमें इन्वॉल्व होता है, तो हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है मशीन लैंग्वेज, हमारे पास क्या है, ठीक है। सारे जानते हैं, पढ़ के आए हैं, वो लैंग्वेज जो डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल है, जो बाइनरी पे बेस करती है, जीरो और वन पे बेस करती है, कमांड्स सारी की सारी जो हैं वो वन और ज़ीरो में ही मैयर हुई होती हैं। और असेंबली लैंग्वेज के कोर्स में आपने अगर थोड़ा बहुत भी याद हो या कोई एक प्रोग्राम भी लिख के देखा हो, तो आपने ऐड लिखा था और कंप्यूटर ने उसको 0101 में तब्दील कर दिया था, बाकायदा आपको वो कोड वहाँ पर लिखा हुआ नज़र आता है आपको, ठीक है ना। उसके बाद आप तीन फाइल जो बनती थी क्लियरली आपको नज़र आ रहा होता था कि मैंने तो ऐड लिखा है, मैंने मूव लिखा है, ये देखो इसकी बाइनरी बनी हुई है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो प्रोग्रामर और ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता होनी चाहिए वो इंस्ट्रक्शन सेट है, जिसकी अभी हम बात करके आए हैं, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल मशीन लैंग्वेज कमांड दैट कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। यही डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई, एक CPU मैक्सिमम जिस कमांड को जानता है, वो 16 हैं, वो 20 हैं, वो 22 हैं, वो 25 हैं, और ये टोटल इतनी की होती हैं, ज़्यादा नहीं होती, हंड्रेड्स में नहीं है ये, क्योंकि हर ऑपरेशन जो है ना वो अरिथमेटिक और लॉजिक के गिर्द ही घूम रहा होता है, चाहे वो इमेज प्रोसेसिंग है और चाहे वो यानी कंप्लेक्स से कंप्लेक्स ऑपरेशन भी, किन दो से बना है, या वो बाइनरी सॉरी या वो लॉजिकल ऑपरेशन होगा या अरिथमेटिक होगा, और वो हमने पढ़े हुए हैं कि दो, एक में हम कंपैरिजन करते हैं, एक में जमा तफरीक ज़रब, तीसरा क्या था मैंने बोला इंस्ट्रक्शन सेट में, वो क्या है, वो मूवमेंट के हैं, डाटा को यहाँ से उठा के यहाँ, ये हैं डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन। जाहिर है आपका कोड जब लूप में चल रहा होता है तो हम क्या कर रहे होते हैं, इधर आओ यहाँ कंडीशन चेक करो फिर वापस, ये मूवमेंट है, इस किस्म की इंस्ट्रक्शन होती है। एवरी प्रोसेसर हैज इट्स ओन यूनिक इंस्ट्रक्शन सेट, देयरफॉर प्रोग्राम्स रिटन इन वन प्रोसेसर विल जनरली नॉट रन ऑन अनदर कंप्यूटर। ये किसकी बात हो रही है भला, ये मशीन लेवल की बात हो रही है, नॉट हाई लेवल की बात। हाई लेवल लैंग्वेज में तो हमने पढ़ा ही है कि वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है, आपने जहाँ भी लिखा है वो हर जगह चलेगा, लेकिन जब हम मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं तो आपने याद होगा CS401 असेंबली लैंग्वेज में क्लियरली सर ने बताया था कि हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं ये NASM के लिए हैं और ये इंटेल आर्किटेक्चर के लिए हैं। वहाँ पर प्रैक्टिस करोगे तो मेरे कोड चलेंगे, किसी और आर्किटेक्चर पर लिखोगे तो ये कोड नहीं चलेगा, ठीक है। दिस इज़ क्वाइट अनलाइक प्रोग्राम रिटन इन हायर लैंग्वेज, यही बात उसने यहाँ पर लिखी। असेंबली आर जनरली यूनिक प्रोसेसर, हर प्रोसेसर के लिए डिफरेंट होती है, और दुनिया में कितने मेजर प्रोसेसर के स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और हमारे पास इन लफ्ज़ों से भी आप वाकिफ़ हैं।
the three ways to list instructions in an instruction set. Number one, function की category से, जैसे मैंने अभी बताया, arithmetic होती हैं, logic होती हैं, data movement होती हैं, और चौथी control होती है। ये function के अतबार से हमने divide कर लिया। फिर हम इसको alphabetically भी लिख सकते हैं, कि हमने इसकी total 15 instruction है, हमने लिख दी 1, 2, 3, 4, 5, हम पढ़ेंगे आगे। हमने सारे सारे एक प्रोसेसर लेना है, फैल्कन, फैल्कन प्रोसेसर, और उसके बारे में हमने क्या पढ़ना है, इसकी टोटल इंस्ट्रक्शंस कितनी है, उसके इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में पढ़ना है, उसके रजिस्टर्स कितने हैं ये भी पढ़ने हैं, उसकी असेंबली लैंग्वेज क्या है ये भी हमने पढ़नी है इसके अंदर। बस तीन चार आर्किटेक्चर्स हैं जिनको हमने पढ़ना है, और उसके बाद हमने उसको याद करना है। या आप इसको ऊप कोड के हवाले से, ऊप कोड क्या होता है याद करो, कि निमोनिक्स क्या थे, एड, सब, मल्टीप्लीकेशन, क्यों जी? लेकिन जब हम उसकी दूसरी फाइल बनाते थे समरी लैंग्वेज की, तो वहां पे उसी एड की जगह पे 05 या 06 लिखा होता था, वो उसका बाइनरी या हेक्साडेसिमल में असल में लिखा होता था, हेक्साडेसिमल लिखा होता था ना। एड क्या है, ये निमोनिक है, क्योंकि ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में है। जब इसको असेंबलर जो है वो ट्रांसलेट करता था, और जो हेक्साडेसिमल का कोड आता था वो उसका ऊप कोड कहलाता था। याद है वो कन्या असेंबली लैंग्वेज में? तो आप तीन तरीकों से इंस्ट्रक्शन सेट को स्पेसिफाई कर सकते हैं, फंक्शनली कैटेगराइज कर सकते हैं, और सेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, या उस तरह कर सकते हैं। समझ आ गई बात की? यहाँ तक काफ़ी है, आगे असेंबली लैंग्वेज और उसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं।